अगर एक एक्टर को अगर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा खाने के टाइम, मतलब खाने में, नाश्ते में या चाय में अगर दूध की जगह पानी मिला जाए, और एक अच्छा अगर एक्टर को ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो किस तरह, एक एक्टर किस तरह भड़कता है। अगर नाना पाटेकर अगर होंगे तो वो किस तरह से अगर भड़केंगे अगर उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया तो। देखिए ये साला यहाँ पे आया हूँ मैं, साला मालूम पड़ रहा है कि साला खाने को कुछ नहीं मिलता है बराबर, साला वही का वही डिश है, वही का वही सब्जी, वही का वही रोटी। मैंने यहाँ पे आके कुछ खाया नहीं बराबर, साला देखा तो सुबह का नाश्ता वही दिखता है, पराठा सब्जी की साला, छोले पूरी, पूरी आलू, ये क्या रखा गया है साले, ये आप कुछ को किसको मालूम ही नहीं है कि साला पोहा क्या होता है, पोहा क्या होता है, उखमा क्या होता है, साला इडली क्या होती है किसको भी नहीं पता, साला एक्सक्यूज देते रहते कि बनाने नहीं आता। बोल बोल के थक गए हो, गला सूख गया है मेरा और कुछ नहीं, या भूख लगती है सर, पेट में देखो खाली पड़ा हुआ है मेरा, कुछ नहीं है, सही है, मारूंगा इनकी साली बराबर, इनकी बराबर मारूंगा, एक बार, एक ही बार मारूंगा, शूट नहीं करूंगा, डाउ मच और बनाओ ना हमें का इस तरह से इनको अगर अमिताभ बच्चन को ट्रीटमेंट नहीं दिया खाने में प्रॉपर तरीके से, ट्रीटमेंट में रहने में ठीक है कैसे भी दे लो, पर खाने में अगर नहीं दिया गया तो अमिताभ बच्चन किस तरह भड़केंगे, जरा गौर से जरा सुनिएगा। अरे अपन यहाँ भूखा पड़ा हुआ है, अरे खाने में कुछ नहीं मिलता है मेरे को, अरे सर ना ये अभी अपन अमिताभ बच्चन है और अमिताभ बच्चन के साथ में लोग ऐसा करता है लोग, अरे क्या बोलेगा तुम लोग, अपन कुछ कर भी नहीं सकता ना, अरे सारा कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया अपन ने, सारा साइन कर दिया है, मुझे क्या मालूम था सारा मेरे को यहाँ पे आके खाना बराबर नहीं मिलेगा, मेरी माँ कहती थी बेटा खाने को अच्छा मिल रहा है ना, भूख लग रही होगी तुझे, मेरे माँ को मैंने बोल दिया कि अरे मुझे तो अच्छा ही खाना मिल रहा है, झूठ बोल के बोल दिया माँ को कि अच्छा ही खाना मिल रहा है, अरे यहाँ पे शाम को नाश्ता नहीं मिलता है और पूरे यूनिट को नहीं मिलता है नाश्ता, भूखे रहते हैं, अरे आपको पता है कि लाइटमैन कितना लोग मेहनत करते हैं एक्टर की वजह से, अरे एक एक पांच पांच छह छह किलो उठाते हैं फिर भी मेहनत करते हैं, बोले शाम को मैं खाना नहीं खाता हूँ, नाश्ता नहीं खाता हूँ, तो अभी मन तन मन धन से खाना काम करते हैं, अरे साला इनको एक बार दिखाना ही पड़ेगा कि एक्टर क्या होता है, समझे ना, अभी कट करो भैया। अच्छा तो अभी इरफान खान, उनको अगर खाने पीने में अगर अच्छा नहीं रखा गया होगा शूट के टाइम पे तो किस तरह से वो भड़कते हैं और किस तरह से करते हैं। भैया क्या हो गया भैया, ऐसा है ना भैया, ये सले लोग क्या है ना कि खाना पीने का कुछ देते नहीं भैया, और ऐसा है कि इनके सरों के पास नींबू मिर्ची लगानी चाहिए, और ऐसे नींबू मिर्ची से कुछ होता भी नहीं है, अरे खाने पीने को अच्छा तो दो भैया, भैया आपको बताए हमें एक्टर बहुत बचते है, बड़े मस्त एक्टर है भैया तो भी क्या करे ये लोग, अरे सारा बजट देखते ना भैया, बजट में कुछ होता है कुछ नहीं ना, अरे फिल्म बनाना गाने का काम थोड़ी है भैया, फिल्म बनाना मतलब अपनी दुल्हन को सजाना, और हमारे दूल्हे भी राजा भी कैसे भी है, अब क्या करे भैया, सूखे हो गए भैया कुछ नहीं, ये साले को देखो हमारे टोची, अरे कब से हंस हंस के साला यार ये भी बिखारी हो गया, ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है यार भैया, रात को बस हम पी लेते हैं भैया पेट भरने के लिए, यार गरीब भैया दाना भी आ चुका है अपने यहाँ।